नागपुर शहर में बस रास्तों पर पॉकेटमारी, चेन स्नैचिंग, जेवरात चोरी जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। इन चोरियों के मामले में एक महिला गैंग सक्रिय है, जिसके कुछ सदस्यों को सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को अंदेशा है कि इस लुटारू गैंग की शाखाएं और भी शहर में हो सकती है। बसों में चोरी करने वाली गैंग की 5 महिलाओं को सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह महिलाएं शहर की बसों में जत्थे के साथ घुसती थी, फिर किसी महिला को टारगेट बनाकर उसका पर्स, जेवर और सामान चुरा लेती थी। ऐसी एक घटना को उन्होंने सदर परिसर में अंजाम दिया। घटना सामने आई तो महिला फिरियादी गुरमीत कौर ने पुलिस में रिपोर्ट दी, जिसके बाद पुलिस ने 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिलाओं में रश्मि नाड़े, अनु मानकर, शीला मानकर, पायल मानकर, सुहासिनी लोंडे का समावेश है। नागपुर शहर में आए दिन अक्सर जो बसेस में बैग लिफ्टिंग या पिक पॉकेटिंग होती है या फिर महिलाओं के बैग से पैसे और जेवरात चोरी होते हैं, वैसे ही एक गैंग हमने अभी अरेस्ट की है। कल अपराध क्रमांक 32/2024 कलम 379/34 IPC के तहत हमने एक गुना दाखिल किया है। इस क्राइम की जो फिरियादी है गुरप्रीत कौर जसपाल सिंह रैत, उम्र 45 साल, यह अपने माता पिता के साथ परासिया जाने के लिए NIT के सामने जो बस स्टैंड है वहाँ पर रुकी हुई थी। बस में चढ़ने के बाद वो उनका ध्यान अपने माता पिता की ओर था। उसी दरमियान 5 महिलाएं बस में चढ़ी और उनके पीछे धक्का मुक्की करके उनके पर्स से एक छोटा पर्स, बैग से एक छोटा पर्स चुरा लिया, जिसमें उनके पैसे और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह थे। थोड़ी देर बाद वो सारी महिलाएं उतर के सिटी बस में जाके बैठ गई। तब जाके उनको एक पीछे वाले आदमी ने बताया कि आपके बैग से पर्स चोरी करके वो महिलाएं भाग गई है। फिरियादी ने तुरंत उतरकर उस बस, जो सिटी बस में, जिस सिटी बस में वो महिलाएं बैठी थी, वहां पर जाकर ट्रैफिक पुलिस की मदद से उन सारे 5 महिलाओं को पुलिस स्टेशन लेकर आए थे। उनकी रिपोर्ट दर्ज करवा के हमने ये 5 महिलाओं के खिलाफ गुना दाखिल किया है। इस तरह की कई महिला गैंग शहर में कार्यरत हो सकती है। इस एक मामले से कई महिला चोरों की और उनकी गैंग की जानकारी सामने आ सकती है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुक्लवार की रिपोर्ट।